नमस्कार दोस्तों, अध्याय 14 गणती कथनों की जांच प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करूंगी। आज मैं क्वेश्चन 1 सिर्फ सही या गलत बताना है, कारण सही बताना है, इसलिए मैं बताती जा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग 350 अंश होता है। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग 350 अंश नहीं होता है, 360 अंश होता है। तो इसमें कारण में आप सिर्फ ये लिख देंगे कि चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। दूसरा, जिसका कारण डिटेल में बताना होगा वो मैं बता दूंगी। दूसरे, किसी वास्तविक संख्या x के लिए x का वर्ग बड़ा या बराबर है 0 के, तो क्या x का वर्ग 0 से बड़ा या बराबर होता है? तो यह हमको देखना है, यहाँ पर x का वर्ग बड़ा है या बराबर है 0, तो हम यदि x बराबर a ले लेते हैं तब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x का वर्ग बराबर a, ठीक है, a का वर्ग, तो x का वर्ग बराबर a का वर्ग, और a जो है हम एक वास्तविक संख्या लेके चलते हैं, मतलब ये क्या है, बड़ा है 0 से, तो x का वर्ग जो कि बड़ा है 0 से, तो ये हमारा ये कथन हो गया। अब हम दूसरा लेके चलते हैं, इसमें x बराबर ऋण a, अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, x का वर्ग बराबर ऋण a का वर्ग, तो यहाँ भी क्या हो गया, x का वर्ग बराबर ऋण का वर्ग, हमेशा ऋण में ही आता मतलब a का वर्ग, तो ये बड़ा है 0 से। अब हम x बराबर 0 लेकर चलते हैं, तब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x का वर्ग बराबर 0 का वर्ग मीन्स 0 ही हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वर्ग ये बराबर है 0 के, तब हम क्या लेंगे, x का वर्ग यहाँ दोनों में बड़ा आ रहा है और यहाँ बराबर, तो ये बड़ा या बराबर का साइन है, अतः x का वर्ग बड़ा और बराबर है 0 के, छोटा नहीं होगा, तब हम इसको क्या लिखेंगे, ये सत्य है, ठीक है। इस तरह से हमको ये कारण सहित समझाना है, एक बार x बराबर 1, एक बार x बराबर ऋण, एक बार x बराबर 0 लेंगे। जब ये छोटा कब होगा, जब ये ऋणात्मक में होगा, पर ऋणात्मक में कभी वर्ग नहीं होता। अब हम लेते हैं थर्ड, दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। तीसरा लिखते हैं, दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। तो हम लिख लेते हैं, माना कि एक सम संख्या हम हमेशा क्या मानते हैं, 2k, 2k मतलब सम संख्या हमेशा 2 का गुणनखंड, 2 का गुणांक होता है, इसलिए हम उसे 2k लेके चलते हैं। तो दो सम संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या, दो सम संख्या हो जाएगी, एक 2k हो गई तो दूसरी होगी 2k प्लस 2। किसी भी सम संख्या, लगातार सम संख्या निकालना है तो हमको 2 का प्लस करना पड़ेगा, तब संख्या आती, जैसे एक संख्या 2 है, दूसरी सम संख्या 2 × 2 4 है, फिर तीसरी 4 × 2 6 है, तो 2 का प्लस होता तो हमने 2 के एक सम संख्या ली, प्लस 2 किया तो दूसरी सम संख्या। अब आ रही है, दो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, सम संख्या होती, तो हम इसका योग करके देख लेते हैं, 2k + 2k + 2 इन सब में 2 उभयनिष्ठ ले लिया तो आया हमारे पास k + k + a, इसको फिर जोड़ लिया k और k, 2k और धन a, तो ये देखिए ये भी 2 का गुणांक है, तो 2 का गुणांक हमेशा सम संख्या होती है, तो ये भी 2 का गुणांक है, अतः ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि यह एक सम संख्या है, योग करने पर भी हमको सम संख्या प्राप्त हो रही है। चौथा लेते हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं, वह संख्या जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है और किसी में नहीं, जैसे 2 के ही पहाड़े में आता है, इसके अलावा 2 किसी और पहाड़े में नहीं आता है, जो अपने ही आप से सिर्फ विभाजित होता है, 2, 3, 5, 6 नहीं होगा, 7, 8, 9 नहीं, 9 3 के पहाड़े में आता है, 10, 11 ये हो गई अभाज्य संख्याएं। तो इसने पूछा है क्या दो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं? नहीं, आप ये ध्यान रखेंगे, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, सिर्फ एक अभाज्य संख्या होती है 2 जो सम होती है, इसके बाद जो भी संख्याएं आएंगी जो 2 से विभाजित होगी सम संख्याएं, लेकिन 2 है जो कि वो सिर्फ अपने आप से विभाजित होता है, तो इसका आंसर आएगा
खा सकते। अब आज संख्या ही आपको आगे भी काम आएगी इस तरह के क्वेश्चन, जैसे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभाज्य संख्या सभी विषम होती है, लेकिन एक संख्या दो होती है जो सम है, इसलिए सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं होती, दो सम है। पांचवा देखते हैं हम, तीन एन धन एक बड़ा है चार से, जहां एन प्राकृत संख्या है। तीन एन धन एक बड़ा है चार से, जहां एन प्राकृत संख्या है। तो हम एक मान रख लेते हैं एन बराबर एक, रख कर लीजिए एन बराबर एक, तो इसमें क्या मान हो जाएगा, तीन गुणित एक धन एक मतलब चार, बराबर हुआ चार की बड़ा नहीं है, अतः ये क्या है असत्य है, चार बराबर हो रहा है। अभी अगर हम एन की जगह आगे दो ले लें तब क्या हो जाएगा, दो लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, मतलब चार कभी भी छोटा नहीं होता, चार से बड़ा ही आता है। एन का मान यदि हम एक से प्राप्त संख्या एक से शुरू होती है उससे लेकर शुरू करें, ठीक है, तो ये असत्य हुआ। नेक्स्ट करते हैं आगे, ठीक है। अब इसके लिए हमको ये बोल रहा है ये सत्य है या असत्य है, हम ब्रैकेट को खोल देते हैं। ब्रैकेट खोलने के लिए यहाँ पर प्लस का साइन है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है सत्य है। फिर हम नेक्स्ट ले लेते हैं एक क्वेश्चन, पी माइनस क्यू प्लस आर, पी माइनस क्यू प्लस आर यहाँ पर ब्रैकेट है इज इक्वल टू पी माइनस क्यू प्लस आर, ये देखने में तो सेम दिख रहा है, पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू, इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा पी माइनस क्यू प्लस आर, और यहाँ ये बाहर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन में माइनस का गुणा होने से सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तब क्या हो जाएगा पी, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस क्यू प्लस माइनस माइनस आर। अब देखिए ये और ये चेंज हो गए, आर में भी प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, प्लस है यहाँ पर यहाँ माइनस आ रहा है, मतलब ये क्या हुआ ये असत्य है। इसके बाद नाइन, इसी तरह से करेंगे हम एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई और ये माइनस जेड का माइनस जेड, ब्रैकेट खोला तो इसके सामने कोई भी साइन नहीं है इस तरह का, और ये भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होगी, तो ये देखिए दोनों समान है, मतलब ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,